हेलो दोस्तों, मैं कुणाल। आज इस वीडियो में करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग। किसकी? ये जूतों का डब्बा यार, इसीलिए कहता हूँ सस्ते नशे मत किया कर। इसकी, ये है MI 8 SE। लेकिन अनबॉक्सिंग करने से पहले, क्या ये फोन इंडिया में आएगा? आएगा तो कब आएगा? अगर आ भी गया तो कितने का आएगा? आपके मन में होंगे बहुत सारे सवाल, इस वीडियो में मैं दूंगा सबके जवाब। पहले डब्बे को खोलते हैं और करते हैं बवाल। तो ये है हमारा फोन का बॉक्स और यह है हमारा हथियार। आप देख सकते हो बॉक्स के पीछे ये सब कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है। अब बॉक्स को ओपन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये चाइना से इंपोर्ट करा मैंने और ये 6GB रैम मॉडल है। बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें मिलता है एक कनेक्टर, बिकॉज इस फोन में 3.5mm ऑडियो जैक नहीं मिलता, और एक सिम इजेक्टर टूल और एक ट्रांसपेरेंट TPU केस, यूजर मैनुअल्स, सम मोर यूजर मैनुअल्स, फाइनली ये है हमारा MI 8 SE। वाओ यार, ब्लू कलर में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। इस फोन के साथ हमें क्विक चार्जर भी देखने को मिल जाता है, जिसकी पावर रेटिंग है 5V 3A, 9V 2A और 12V 1.5A, और टाइप सी केबल भी मिल जाती है। और हर बार की तरह शाओमी ने ईयरफोन्स इस बार भी नहीं दिए हैं। अब एक बार स्क्रीन प्रोटेक्टर्स उतार के फोन का रियल डिजाइन देखते हैं। पीछे की तरफ एक ग्लास देखने को मिलता है, जो अपने फायदे और नुकसान के साथ आता है। देखने में ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स बहुत इजीली आ जाते हैं। रियर में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर और डुअल कैमरा सेटअप भी मिल जाता है। यार, फोन का डिजाइन बहुत ही अमेजिंग है। आगे पीछे ग्लास है और साइड में मेटल का फ्रेम है। फोन के राइट साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। फोन के लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा सिम ट्रे स्लॉट, और ये एक हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, जिसकी वजह से आप इसमें microSD कार्ड इंसर्ट नहीं कर सकते। डुअल नैनो सिम कार्ड्स आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। टॉप में आपको आयर ब्लास्टर और सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिलता है। बॉटम में USB टाइप सी पोर्ट और स्पीकर वेंट्स मिलते हैं। इस फोन में 3.5mm ऑडियो जैक हमें नहीं मिलता, क्योंकि Xiaomi खुद को Apple समझने लगा है। फ्रंट में है कुछ सेंसर्स, LED फ्लैश, नॉच वाली डिस्प्ले मिलती है इसमें 5.88 इंच की, फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले है ये, और इसका एस्पेक्ट रेशो काफी वियर्ड है, 18.7:9। फोन की जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो सीरियसली काफी अमेजिंग है, बिकॉज सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जिसकी वजह से आपको डीप ब्लैक्स और वेल सैचुरेटेड वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलेंगे। इवन जो आउटडोर विजिबिलिटी है वो भी काफी सही है, बिकॉज 100% ब्राइटनेस पे डिस्प्ले इजिली विजिबल है, एंड द व्यूइंग एंगल्स आर ऑल्सो फाइन। इस बार Xiaomi ने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दी है, जो मेरे हिसाब से हर ब्रांड को अपने फोन में देनी चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नॉच वाली डिस्प्ले नहीं पसंद आती, तो उसका भी सॉल्यूशन है। आप इजीली नॉच को डिसेबल भी कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। इस फोन में हमें 3120mAh की बैटरी मिलती है, जो इजीली मुझे एक दिन का बैटरी बैकअप दे देती है, बिकॉज जो प्रोसेसर है वो Qualcomm Snapdragon 710 है, और ये एक बहुत ही पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, बिकॉज ये 10nm मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है। जो मॉडल मैंने परचेज करा है उसमें 6GB रैम है, 64GB स्टोरेज है, और MIUI 9.5 ऑन टॉप ऑफ Android 8.1 Oreo आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। अभी तक जो फोन की परफॉर्मेंस है वो काफी स्मूथ है, और ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स खेलने के लिए Adreno 616 GPU मिलता है। Asphalt 9 में मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग्स पे खेल रहा हूँ, और मुझे किसी भी तरह के फ्रेम ड्रॉप्स और लैग्स देखने को नहीं मिल रहे। ये फोन इस गेम को इजिली हैंडल कर लेता है। इनफैक्ट PUBG आप HD ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट्स पे खेल सकते हो।
अगेन जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफी अमेजिंग है, मुझे किसी भी तरह के फ्रेम ड्रॉप्स और लैग्स देखने को नहीं मिल रहे। सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक मिल जाता है, और आप देख सकते हो यार जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये ब्लेजिंग फास्ट है और ये काफ़ी एक्यूरेट भी है बिकॉज 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये प्रॉपरली वर्क करता है। फाइनली बात करें अगर रियर कैमरा की तो 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद f1.9 अपर्चर और सेकेंडरी सेंसर 5 मेगापिक्सल का है जिसका अपर्चर f2.0 है और डुअल पिक्सल PDAF भी हमें इस फोन में मिल जाता है। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं डेलाइट कंडीशंस में 1080p 30fps पे और ऑडियो भी फ़ोन के मेन माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। अब एक बार मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपोजर एडजस्ट करके, और एक्सपोजर प्रॉपरली एडजस्ट कर लेता है ये फ़ोन। जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वीडियो में वो भी काफ़ी नेचुरल देखने को मिल रहा है। अब एक बार ऑटो फोकस भी चेक करते हैं और जैसे कि आप देख सकते हो ऑटो फोकस प्रॉपरली वर्क कर रहा है इस फोन में। इस फोन में हमें जायरोस्कोप बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाती है, तो अब मैं आपको एक बार भाग के दिखाता हूँ। ये है कुछ मैक्रो शॉट्स जो मैंने कैप्चर करे हैं डेलाइट कंडीशंस में और काफ़ी शार्प इमेजेस देखने को मिली हैं, और ये इमेज मैंने कैप्चर करी है काफ़ी डिस्टेंस से और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डायनेमिक रेंज भी सही तरीके से कैप्चर कर लेता है और आप इस फ़ोन से AI मोड ऑन करके भी इमेजेस कैप्चर कर सकते हो। इस फोन से आप काफ़ी अमेजिंग पोर्ट्रेट शॉट्स भी कैप्चर कर सकते हो, ये एजेस प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेता है, बैकग्राउंड में काफ़ी नेचुरल ब्लर देखने को मिलता है, ओवरऑल जो इमेजेस है वो काफ़ी शार्प आई हैं। ये फोन 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा के साथ आता है जिसका अपर्चर f2.0 है और साथ में डेडिकेटेड LED फ्लैश भी दी गई है। ये है कुछ सेल्फीज जो मैंने कैप्चर करी है डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में। वेल, जो फर्स्ट इंप्रेशन है इस फोन के वो काफी पॉजिटिव है। दो दिन से मैं इस फोन को यूज कर रहा हूँ, लेकिन हर फोन के कुछ प्रोज होते हैं और कुछ कॉन्स होते हैं जो मैं कवर करूंगा इस फोन के फुल रिव्यू में। अब मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर देता हूँ कि क्या ये फोन इंडिया में आएगा या नहीं आएगा। तो यार काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स है कि Xiaomi इस फोन को अक्टूबर में लॉन्च कर सकता है इंडिया में। जहां तक रही बात प्राइसिंग की तो 23,000 के अराउंड इसका प्राइस हो सकता है। अब हम सबको पता है कि 21,000 रुपीज में ऑलरेडी पोको F1 अवेलेबल है जिसका प्रोसेसर इससे बेटर है, बट सीरियसली यार Qualcomm Snapdragon 710 इतना स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर है कि आप इसको Snapdragon 835 से कंपेयर कर सकते हो। अब ये Snapdragon 845 जितना पावरफुल तो नहीं है, बट इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, जो डिजाइन है, वो मुझे पर्सनली पोको F1 से काफी ज्यादा बेटर लगा है। और जो कैमरा है, जो इनिशियल इंप्रेशन है उसके हिसाब से मेरे को इसका कैमरा भी बेटर लग रहा है। बाकी जब मैं पोको F1 से कैमरा कंपेरिजन करूंगा तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।